बीजेडी से बेटी बचाओ, उत्तर प्रदेश में हाथरस और अन्य कांड होने के बाद ये कहती थी देश की जनता के बीजेपी से बेटी बचाओ, पर अब लगता है कि उड़ीसा की सच्चाई है बीजेडी से बेटी बचाओ। उड़ीसा को बीजू जनता दल ने भगवान जगन्नाथ जी की भूमि को अपराध प्रदेश बना दिया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और पुलिस क्राइम फ्रेंडली बन जाए तो प्रदेश की बेटियों या लोगों की रक्षा कौन करेगा? जब इल्जाम गृह मंत्री पर हो तो जांच कौन करेगा और न्याय कौन देगा? न सिर्फ बीजेडी की सत्ता अपराधियों को संरक्षण दे रही है अपितु शक की सुई सीधे सीधे गृह राज्य मंत्री के दरवाजे पर आकर टिकी है। अगर मैं ये कहूं कि बीजेडी की सरकार में अपराध एक व्यापार बन गया है तो शायद सही होगा, और मैं केवल 5 तथ्य आपको दूंगा। पहले, ओडिशा में हर रोज 4 हत्याएं, 4 बलात्कार, 11 अपहरण और 12 हत्या के प्रयास होते हैं। दूसरा, देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर ओडिशा में सबसे ज्यादा अधिक है, 112.9 या 113%। पिछले 3 साल में ओडिशा में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ 69,000 या 69,000 अपराध हुए हैं। 365 से अगर आप भाग दें तो उनकी संख्या कितनी अधिक होगी? 70 महिलाएं, 70 बेटियां, 70 मेरी मां, मेरी बहन, आपकी मां, आपकी बहन, इस प्रदेश की बेटियां अपराधों का शिकार हर 24 घंटे में होती हैं, और 15 नाबालिग बच्चियां हर रोज गायब हो जाती हैं। तथ्य नंबर 3, पिछले 1 साल में ओडिशा में 2,65,335 भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड में अपराध दर्ज हुए, जिनमें 1,470 हत्याएं और चौंकिए मत 1,211 महिलाओं से बलात्कार, 4,180 अपहरण और 4,135 हत्या की कोशिश है। प्रदेश के लोग जी कैसे रहे? और चौथा तथ्य और ज्यादा दुखद है, पिछले 1 साल में ओडिशा से 6,912 बच्चे गायब हो गए जिनका सरकार जिन्हें तलाश नहीं कर पाई, और उसमें हमारी बेटियां लगभग 5,900 हैं, 5,815। और आखिरी तथ्य, देश में महिलाओं की इज्जत पर होने वाले हमलों के अपराध में ओडिशा देश में पहले नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम, क्योंकि हम सब जानते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, उसके माध्यम से भी अब क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम में भी देश में ओडिशा अब पहले नंबर पर है। तो अपराध ओडिशा में बीजू जनता दल की सरकार में एक व्यापार बन गया है। और आज हम आपके सामने जो तथ्य रखेंगे, क्योंकि हम सब, नरसिंह मिश्रा जी यहां मौजूद हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे प्रभारी महोदय चेला कुमार साहब मौजूद हैं, सलूजा साहब मौजूद हैं, हमारे दूसरे विधायक गण हैं, आज हम सब ममिता मेहर जो इस प्रदेश की नहीं इस देश की बेटी है उसके गांव गए, उनकी रोती बिलखती मां से मिले, उनके असहाय बाप से मिले,
उनके भाई से मिले। काश नवीन पटनायक जी अगर उस गांव में जाकर उस मां के आंसू देख लेते जो आप पहुंच कर आए हैं, आपने पहुंचे तो वो आज ही अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देते। काश वो जाकर देख लेते कि किस प्रकार की गुंडागर्दी से एक बेटी के अंग काटकर फेंक दिए गए, तो वो उनको रात को नींद नहीं आ सकती थी मुख्यमंत्री को। साथियों, 8 अक्टूबर 2021 को हम सब जानते हैं, ममिता को स्कूल के संचालक और आरोपी गोविंद साहू द्वारा बुलाया गया और फिर रास्ते से ही ले जाया गया और हमारी बेटियां गुम हो गई। ममिता का परिवार न्याय की गुहार लगाता रहा, पुलिस की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गया, किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आखिर में जबरदस्त विरोध के बाद 5 दिन के बाद, आप सोचिए, मेरी बेटी, आपकी बेटी 5 दिन तक गायब हो और पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे। 5 दिन के बाद अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई 13 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को वो गोविंद साहू को गिरफ्तार किया गया और फिर शायद जो बुरी से बुरी फिल्मों के विलेन नहीं करते वो उड़ीसा की पुलिस ने किया। पुलिस की हिरासत से 17 अक्टूबर को फिल्मी ढंग से आरोपी गुम हो गया और परिवार को यह कहा गया, मां ने हमें बताया, पिता ने हमें बताया, परिवार ने हमें बताया, वो कहते रहे आपकी बेटी जिंदा है, आपकी बेटी रायपुर में है, हम ला कर देंगे। मिश्रा साहब बैठे, इन्हें बताया, आपको बताया, चेला कुमार जी को बताया, हम आपकी बेटी को ला कर देंगे, पर आरोपी को भगा दिया। और 19 तारीख को एक और निर्भया का उड़ीसा में जन्म हुआ, जिसने प्रदेश की आत्मा को छलनी कर दिया। 6 से 8 फुट गढ़े के नीचे एक आधा जला हुआ शरीर, जिसके अंग काटकर फेंक दिए गए थे। मुझे बताने में दर्द होता है, आपको सुनने में शर्म आती होगी। उसको एक स्टेडियम के प्रांगण में नीचे दबाकर आधा जला शरीर मिला। बाद में गोविंद साहू को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा देश जानता है कि गोविंद साहू की संस्था में किसका हाथ है, कौन वहां जाकर रुकता था, गोविंद साहू किसका आदमी है। गोविंद साहू प्रदेश के गृह मंत्री, बिजली मंत्री, लघु उद्योग मंत्री, स्किल्स मंत्री और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के चहेते दिव्य शंकर मिश्रा जी का आदमी है। क्या करने जाते थे दिव्य शंकर मिश्रा जी उस संस्था में? और एक टेप आप लोगों ने दिखाया, मैंने भी उसका उड़िया रूपांतर सुना, जहां ममिता का एक और सहयोगी ये बता रहा है कि उस संस्था में हमारी बेटियों का यौन शोषण होता था। भगवान जगन्नाथ की भूमि क्या इस प्रकार के अपराधों के लिए जानी जाएगी? और सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहेंगे और कानून के रखवाले गृह मंत्री उनके संरक्षण के अंदर अपराध होंगे? सरकार को नींद कैसे आती है? और यह पहला वाकया नहीं, आप सब बता रहे थे ना, ये पहला दर्दनाक अपराध है ना आखिरी।